आज हम बात करेंगे व्यूज ऑल न्यू 2022 टाटा सफारी 7 सीटर गोल्ड एडिशन टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के बारे में। और करंटली आप जो ये पेंट फिनिश देख रहे हैं ये है वाइट गोल्ड, और साथ में इसमें आपको दूसरी कलर की ऑप्शन मिल जाती है ब्लैक गोल्ड। इसमें जो हम आपको वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसके इंटीरियर का लुक दिखा देते हैं, क्योंकि बाहर के बारे में हम आपको बताएंगे पर इंटीरियर जो इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके इंटीरियर में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डैशबोर्ड के ऊपर ये जो टेक्सचर है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। साथ में ये जो हाई एंड लग्जीरियस क्लास के जो घर होते हैं, मतलब कि एक विला होते हैं एक्सपेंसिव घर जिनके किचन बनाए जाते हैं, वहाँ पे इस टाइप का तो एपॉक्सी का जो यूज़ किया जाता है टेबल्स को डिज़ाइन करने में, और ये उस टाइप का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है इसके ऊपर देखने में, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड लग्जरियस क्लास का एहसास दिलाता है। साथ में ये जो आप देख पा रहे हैं गोल्ड इंसर्ट इसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। साथ में यहाँ पे एम्बिएंट लाइट का फंक्शन, डोर ओपनिंग लीवर्स के ऊपर एंड गोल्ड टचअप, एक मीन्स लग्जरी के नाम पे ये एक अलग ही लेवल सेट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा आई कैची है जो गोल्ड फिनिश इसके ऊपर लगती है देखने, और दूर से अगर आप इसे देखेंगे तो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 23,20,000 रुपीज़ एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 25,75,000 रुपीज़। हम जो व्यूअर्स आपको ये प्राइस बता रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डीलरशिप का। अब हम बात करें इसके फ्रंट से, तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे ट्राई अरो डिज़ाइन के ऊपर टाटा के लोगों के ऊपर जो है कम्प्लीट यहाँ पे देख पाएंगे गोल्ड फिनिश दी गई है, पियानो फिनिश देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी हेडलाइट्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर हाई बीम का काम करता है, तो टर्न लाइट इंडिकेटर विद इंटीग्रेटेड डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे ऊपर देख पाएंगे, फॉग लेंथ प्लस इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस वो काफ़ी अच्छी मिलती है जो कि है 205 mm की। साथ में इस व्हीकल का टोटल कार वेट है 825 किलोग्राम्स। ऑटो हेडलाइट्स एंड वाइपर्स मिल जाते हैं इसमें। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ड्यूल टोन फिनिश का जो टेक्सचर है वो इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। साथ में गोल्ड फिनिश डोर ओपनिंग लीवर्स पियानो फिनिश के साथ में ORV टर्न लाइट इंडिकेटर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग डिटेक्टर फंक्शन के साथ में आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर जो आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ ही मिल जाएगा लीवर के ऊपर। फ्रंट एंड रेयर में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जिसकी वजह से जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साथ ही में ऑटो वाइप फंक्शन के साथ में आती है डिस्क ब्रेक्स, मीन्स का हर टाइम में आपको काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफर करेंगी। इसमें जो ब्रिजस्टोन के टायर्स दिए गए हैं, साथ में टायर साइज मिलता है 235/60R18 के, 103V के हाई स्पीड टायर्स मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं इसमें। और इसमें आपको फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है वो है इंडिपेंडेंट लोअर विश बोन मैकफर्सन स्टड विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार। साइड में देखेंगे तो यहाँ फ्रंट से जो क्लैडिंग स्टार्ट होती है जो कि रियर एंड तक जाते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करती है इसके कंप्लीट व्हीकल की सराउंडिंग के लोअर सेक्शन को। रियर में आप देख पाएंगे डिस्क ब्रेक, साथ में इसमें आपको रियर में जो सस्पेंशन मिलता है वो है सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट ब्लेड विद पेन हार्ड रोड एंड कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी अंडरव्हील आर्च के ऊपर काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी गई, मीन्स ऑफ रोडिंग के टाइम पे जो स्टोन वगैरह टकराते हैं अंडरव्हील आर्च के ऊपर वो यहाँ पे डैमेज नहीं कर पाएंगे और रस्ट नहीं लगेगी व्हीकल की बॉडी के ऊपर। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश देखने में मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे दिए गए इसमें एम्बिएंट लाइट का फंक्शन, गोल्ड टचअप ग्रिप जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी, मीन्स जब भी आप इसके डोर को ओपन या क्लोज करेंगे उस टाइम पे बिना किसी परेशानी के ओपन या क्लोज कर सकते हैं। साथ में पावर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वाटर होल्डर स्पेस, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस एंड अम्ब्रेला होल्डर की स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। 6+ स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके कैबिन में, को ड्राइवर साइड के सीट एंड ड्राइवर साइड की सीट के ऊपर आपको ये देखने मिल जाएंगे कंट्रोल्स, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं इसमें आपको, साथ में एयर बैग जो दोनों सीट्स के ऊपर दिए गए हैं, और लंबा सपोर्ट को एडजस्ट करना चाहे तो आप वो वहाँ पे देख सकते हैं उस चीज़ को घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाते हैं फ्रंट टू लास्ट, साथ में गोल्ड एडिशन की बैजिंग आपको फ्रंट रो के ऊपर मिलेगी, SRS एयर बैग दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, पेन होल्डर स्पेस, बुकलेट, फर्स्ट एड किट और टैबलेट स्टोर करने की जगह भी दी गई है। रूफ में देखेंगे तो सन वाइज़र जिसमें कि आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं, साथ में मिरर
एंड सफारी की बैजिंग आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। रूफ में आप देखेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ, जिसकी वजह से लग्जरी का एहसास बढ़ जाता है। साथ ही में रूफ रेल्स पियानो एंड गोल्ड फिनिश के साथ ही आती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन लेदर फिनिश, फ्रंट डोर की तरह ही सभी आपको लेदर फिनिश देखने मिलेगी। सभी डोर्स के ऊपर ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है जब डोर ओपन या क्लोज करेंगे। मोबाइल फोन स्टोरेज की स्पेस यहाँ पे दी गई, जो कि मुझे इंडिविजुअली काफ़ी पसंद आती है सफारी और हैरियर में। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, इंफोस्पीड स्पीकर एंड ट्विटर, इसमें आपको कैबिन के अंदर जो टोटल स्पीकर्स मिलते हैं वो JBL के मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रीमियम एंड हाई एंड लग्जरियस क्लास का एहसास मिलता है साउंड क्वालिटी का कैबिन में। 6-way मैनुअल एडजस्टमेंट फंक्शन, साथ में सीट्स आती हैं, साथ में कुशनी सीट्स दी गई देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कुशनी सीट्स मिल जाती हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और लास्ट रो की सीट्स जो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है फॉर चाइल्ड, अगर आप लास्ट रो में बिठाना चाहें तो चाइल्ड को इजीली कंफर्टेबली बिठा सकते हैं। और इसमें आपको फ्रंट सीट्स के पीछे जो मैगजीन स्टोरेज की स्पेस दोनों तरफ मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोबाइल फोन होल्डर की स्पेस में एम्बेड लाइट का फंक्शन मिल जाता है, साथ ही में 2 USB टाइप ए में फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन मिल जाती है। और अगर आप इसकी सीट को आगे करना चाहें तो मीन्स इस लीवर को आप ऐसे कीजिए आगे और ये कंप्लीट फॉरवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से अगर फ्रंट रो में जो पर्सन बैठा हो अगर सीट आगे नहीं करे तो आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और इस सीट को कंप्लीट बैकवर्ड कर सकते हैं। कंप्लीट बैकवर्ड करने के बाद भी मीन्स आप देखेंगे यहाँ पे इस लीवर को कंप्लीट इसे रोटेट करने के बाद भी जो स्पेस है वो इतना मिलेगा, मीन्स 3 उंगली का स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए। साथ में फ्रंट में जो स्पेस है वो इतना ज़्यादा देखने मिलेगा। और ड्राइवर साइड में आप देख सकते हैं जैसे इसे आगे किया जाएगा तब भी जो है फ्रंट एंड रेयर में जो काफ़ी अच्छा लेगरूम स्पेस मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस व्हीकल में जो कि आपको काफ़ी कम व्हीकल में देखने मिलता है। साथ में यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो पैनोरामा सनरूफ मिल जाता है, जिसकी वजह से लग्जरियस व्हीकल का एहसास मिलता है। साथ ही में आपको जो है एक एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट मिल जाता है अगर आप हिल स्टेशन में जा रहे हैं इस व्हीकल में। सॉफ्ट क्लोजिंग फंक्शन में ग्रैबिंग पॉइंट्स, LED रीडिंग लैंप्स, हुक यहाँ पे दिया गया है और एयर वेंट्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन्हें कि इजीली एडजस्ट किया जा सकता है। और ये जो ग्रिप है काफ़ी अच्छा, मीन्स ऐसे करके ओपन की जाए तो उसके बाद जो आपको ओपन करने में कोई भी परेशानी नहीं इस डोर को। रेयर में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे LED टेल लाइट्स, हेलोजन बल्ब के साथ में टर्न लाइट इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लैंप यहाँ पे दिया गया है, लो माउंटेड फॉग लैंप्स आपको दोनों तरफ देखने मिल जाएंगे। प्लस इसमें जो आपको ये देख पा रहे हैं ये टेक्सचर जो इसके लुक्स को एनहांस करता है। साथ ही में स्किड प्लेट दी गई है, इसका स्पेयर व्हील यहाँ नीचे माउंट किया गया है। यहाँ पे देख पाएंगे आप इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं गोल्ड के साथ में टाटा का लोगो फ्रंट एंड रियर में। सफारी की बैजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। इसके ऊपर डिफोगर वाइपर वॉशर मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट वॉशर यहाँ पे क्लेवरली हाइड किया गया है और टाइगर की फैमिली का जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा जब भी आप सफारी देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे रिवर्स पार्किंग कैमरा LED में, इसकी नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाती हैं। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। अब बात की है इसके बूट की तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एमरजेंसी एग्जिट के ऑप्शन मिल जाती है। साथ ही में कंप्लीट प्लास्टिक पैनल दिए गए, मीन्स अगर आप यहाँ पे लगेज रख रहे हैं तो उस टाइम पे इसके बूट के ऊपर स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। साथ ही में जैक टूल्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे इसके नीचे और यहाँ पे बूट लैंप दिए गए हैं, ये बिल्कुल सब बूफर मिल जाता है। मोबाइल फोन स्टोरेज की स्पेस यहाँ पे भी दोनों तरफ दी गई है। रेयर एसी वेंट्स की फैन ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए नॉब, रेयर एसी वेंट्स जो यहाँ पे आप देख पाएंगे बूट लैंप या तो फिर लास्ट रो की सीट्स के लाइट। और अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से सिंगल हैंड भी एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ इतना सा स्पेस आपको देखने मिलेगा। अगर आप इसकी लास्ट रो की सीट को एक्टिवेट कर देंगे तो उसके बाद जो स्पेस मिलता है वो है अराउंड 180 लीटर्स का। अब जो स्पेस मिल रहा है वो है आपको यहाँ तक मेज़र किया है जो कि है 444 लीटर्स का। और अगर आप इसे फुल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, अराउंड 600 लीटर्स के आसपास आपको स्पेस मिल जाएगा कंप्लीट अगर आप रूफ तक इसे यूज़ करना चाहें। इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है वो है 50 लीटर्स की। साथ ही में अगर इसका अब हम बात करें इसके टर्निंग रेडियस की तो वो है इसका 11.6 मीटर का। ड्राइवर साइड में आए तो यहाँ पे आप देखेंगे की फॉब के साथ आप अपने व्हीकल को अनलॉक कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ पे हिडन की फॉब को डाल के फिर उसके बाद अनलॉक कर सकते हैं इस कैप को निकाल के। सेंसर सेम टचअप देखने में जाएगा, सिवाय यहाँ पे पावर डॉक कंट्रोल्स में डिफरेंस आपको देखना मिलेगा। पावर डॉक कंट्रोल्स में जाते हैं यहाँ पे
यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर साइड की सीट दी गई है, जिसमें कि हार्ट एडजस्टमेंट फंक्शन भी मिलता है, प्लस वेंटिलेटेड सीट और हिडन इसका जो आपको मिलेगा फ्यूज बॉक्स या नीचे साथ में हुड ओपन करने के लिए लीवर। अब मैं बात करूँगी इसके इंजन बे के बारे में। इसमें जो इंजन मिलता है वो है कायरोटेक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर 2 लीटर डीजल इंजन। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 168 bhp की, 170 PS के पावर जनरेट करता है एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 315 न्यूटन मीटर का। माइलेज ऑफर करेगा मैक्सिमम 14.08 किलोमीटर पर लीटर में एंड इन वन फुल टैंक आप से ड्राइव कर सकते हैं 74 किलोमीटर तक। 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर के साथ में गियर बॉक्स मिल जाता है और स्पोर्ट्स मोड ओवरराइड का फंक्शन भी दिया गया है। साथ में मल्टी टेरेन एक्शन फीचर भी मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप चाहें तो ऑफ रोड रेनी सीजन या फिर रोड के हिसाब से आप इसे सेट कर पाएंगे। एंड इसमें आपको जो वारंटी मिलती है वो है 2 ईयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर की। साथ में अगर एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डैम्पिंग दी गई इसके फ्रंट फेंडर के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी साइड पैनल्स के ऊपर जो ये दी गई है एक्स्ट्रा इंसुलेशन, जिसकी वजह से नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप इसके विंडशील वॉशर फ्यूल टैंक को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे दिया गया है, साथ में कूलेंट टैंक यहाँ पे दिया गया है, तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का टैंक यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रेक फ्लूइड टैंक जो यहाँ पे मिलता है इसके नीचे, और इसमें जो मेजर फ्यूज बॉक्स है इसको यहाँ पे ईजिली एक्सेसिबल है। अब मैं बात करूँ इस ड्राइवर साइड से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेदर फिनिश के साथ में स्टेयरिंग व्हील आता है, काफ़ी स्मूथ लेदर फिनिश दी गई है और इसमें ग्रिप जो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। साथ में पियानो फिनिश, टाटा का लोगो जो कि गोल्ड फिनिश के साथ में आता है, एयर बैग मिल जाते हैं, MID के कंट्रोल्स इस तरफ, तो इन्फोटेन सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए हैं। टिल्ट करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल्स, तो दूसरी तरफ वाइपर्स के कंट्रोल्स। अब हम लाइव जैसे इग्निशन मोड में, तो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो यहाँ पे दिया गया है सेपरेट ड्राइवर साइड में। जैसे हम इग्निशन मोड में लाएंगे इस व्हीकल को, तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी ये डिजिटल में डिस्प्ले और साथ ही में एनालॉग डायल में स्पीड, टाटा का लोगो मिल जाता है। अब मैं बात करूँ इसकी MID की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन RPM सिटी मोड में, वो साथ ही में डेफ लेवल, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल यहाँ पे देख सकते हैं कितने किलोमीटर चला व्हीकल वो, और इसमें अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो इन कंट्रोल्स के साथ आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप में क्या एवरेज दी, कितने किलोमीटर चला व्हीकल, टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है, पावर और साथ में टायर प्रेशर क्या है फ्रंट एंड रेयर व्हील्स में, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने मिल जाती है। अब मैं बात करूँगी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो है 8.8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो का फंक्शन भी जाता है, ऑक्स USB का फीचर भी दिया गया है, वॉइस कमांड नेविगेशन मिल जाएगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहते हो वो, एयर प्योरीफायर, साथ में साउंड ऑक्स थीम चेंज करना है, iPod कंपैटिबिलिटी का फंक्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पे मिड बेस ट्रिप हर एक चीज़ चेंज कर पाएंगे। ब्राइटनेस जो इसकी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, यहीं पे नीचे दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल बटन्स, और इसी के नीचे आपको लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इको स्पोर्ट्स मोड ओवरराइड का फंक्शन मिल जाएगा, चारों पार्किंग इंडिकेटर्स को एक्टिवेट करने के लिए बटन, एंड ये टेक्सचर जो इसके सराउंडिंग का जो लुक है मीन्स इंफोटेनमेंट सिस्टम के सराउंडिंग का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज और अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है इसके डैशबोर्ड के ऊपर। नीचे यहाँ पे देखेंगे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन, साथ में नीचे यहीं पे दिया गया है USB ऑक्स का पॉइंट एंड वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन मिल जाती है। टेरेन एक्शन मोड का फंक्शन दिया गया, जिसमें कि रफ, ऑफ रोड, रेनी सीजन एंड नॉर्मल का फंक्शन, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन, लेदर फिनिश स्टिक के सराउंडिंग में, और पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड मैनुअल ओवरराइड का फंक्शन मिल जाता है। ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बटन प्रेस करके, साथ में पार्किंग भी इलेक्ट्रॉनिक, बड़े कप को स्टोर करने के लिए के सेंटर में कप होल्डर स्पेस एंड 2 कप होल्डर्स आप इजीली यहाँ 2 कप्स यहाँ पे आप इजीली स्टोर कर पाएंगे। काफ़ी चीज कुशनिंग मिल जाती है, और इसमें जो आपको नीचे कूल बॉक्स का फंक्शन, 12 वोल्ट का पावर पॉइंट दिएगा, इसके वायर निकालने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिएगा, मीन्स अगर आपने चार्जिंग पॉइंट लगाया यहाँ पे तो यहाँ से आप वायर निकाल सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा 10 वोल्ट के पावर पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। रूफ में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन वाइज़र, साथ में यहाँ पे आप देख पाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के माइक, यहाँ पे दिए गए इंडिविजुअल रीडिंग लैंप्स और
सन पैनोरम रूफ को ओपन करने के लिए कंट्रोल्स, ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में IRBM मिल जाता है। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स के तौर पे 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, साथ में ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर दिए गए, साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिए गए। रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।